नेति पूजा करता है या पूजा करती है। बुद्धस्य पूजेति, बुद्ध के लिए या बुद्ध की पूजा करता है या करती है। जो पूजा का अर्थ है पाली में वो बहुत कमाल का है, क्योंकि ये पाली का शब्द है पूजेति, बाद में ये पूजा बना। पूजनीय आपने बहुत देखे होंगे कि माता पिता पूजनीय हैं, या गुरुवर जो गुरुओं में श्रेष्ठ हैं यानी बुद्ध, वो पूजनीय हैं, या कोई बड़े हैं वो पूजनीय हैं, या कोई टीचर हैं, मंक हैं, भिक्खु हैं, भिक्खुणी हैं, वो पूजनीय हैं। पूजनीय का मतलब पाली के अंदर पूजनीय, पूजनीय का मतलब पूजा के लिए या पूजा के लायक, इसका मतलब ऐसा होता है। तो पूजा का जो मतलब आज के समय में बताया जाता है और जो प्रैक्टिस में आता है और जो लोगों की समझ में आता है, क्योंकि पाली में तो पूजा का मतलब कुछ और है, तो आज के समय में ऐसा है कि धूप, मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूल, कुछ इधर उधर की चीजें रख के, या कोई फोटो रख के, या कोई मूर्ति रख के, कोई दिया घुमाकर या मोमबत्ती घुमाकर या हाथ जोड़कर, या वहां दो चार बातें तीक्ष्ण या पंचशील कह के, और तीन चार बार नीचे झुककर गर्दन को झुका के, और कहते हैं पूजा हो गई और हमने पूजा कर ली। बेसिकली ये पाली में पुराने समय में पूजा का मतलब नहीं है, पूजेति का मतलब नहीं है, पूजनीय नहीं है। जो पू का शब्द है, पू का मतलब है पावचन, इसको पावन वचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पावन बाद में बना है, पावन का मतलब पवित्र बाद में बना है, पावचन है। पावचन का मतलब होता है बुद्ध के वचन, बुद्ध की बात। और जन जो शब्द है इसमें वो है जानाति या जानन, जानन का मतलब है पहचानता है, जानता है, समझता है। तो इसका मतलब हो गया कि बुद्ध के वचनों को जानता है, समझता है। इस पूरे पूजेति का मतलब, पूजा का मतलब यहां शॉर्ट फॉर्म में आता है। तो अब पूजा जो होती है वो सिर्फ बुद्ध के वचन की ही होती है, यानी जो पू है वो पावचन हो गए, बुद्ध के वचन हो गए, और जन का मतलब जानन हो गया, जानना हो गया, समझना हो गया, देखना हो गया। तो बुद्ध के वचन के लिए ही ये बात आई है, ये तो बात क्लियर हो गई पाली से। तो आपने उसको करना कैसे है, जानना कैसे है? अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और बैठ के त्रिषण पंचशील गा रहे हैं और उसको लय में बोल रहे हैं, या कोई और आगे वंदना कर रहे हैं, या कोई बुद्ध का कोई वचन आप याद कर रहे हैं या गा रहे हैं, तो वो पूरे परिवार को इतना लाभ देगा कि उसे सुन के जो छोटे बच्चे हैं वो कंठस्थ कर लेंगे, जो 0 से लेके और 10 साल के बच्चे हैं। क्योंकि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए तो कोई नियम भगवान बुद्ध ने बताया नहीं, वो तो मन से ही बहुत शुद्ध होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, उनका मन बिल्कुल साफ होता है। 5 साल से लेके 10 साल के बच्चे का मन थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाता है, घर का व्यवहार देखे, पड़ोसियों का व्यवहार देखे, आसपास देखे, तो वो जो 5 सील हैं उनके विरोध में काम करने लगता है। जैसे स्कूल से किसी का रबड़ चुरा के ले आया, या वैसे ही उठा के ले आया, या कोई बात डर की वैसे झूठ बोल दी, या कुछ काम ऐसे जो आपने उसे मना किया उसने कर दिए, आपकी बात नहीं मानी, या कहीं कोई छोटा मोटा कीट उसने मार दिया, या कहीं कोई ऐसा आचरण कर रहा है जो कि सीलों के मुताबिक नहीं है, या कहीं कोई उसमें अजीब सी कोई बात ऐसी आती है जो सील के विरुद्ध आती है। तो 5 से 10 साल का बच्चा लगभग करना शुरू कर देता है, छोटा छोटा होता है, हम उसको ध्यान नहीं देते। तो उस बच्चे को जब आप पूजा करें तो 5 सील को पढ़ाएं, 5 सील को उसे रटवाएं, और 5 सील का अर्थ उसको उसकी भाषा में समझाएं, क्योंकि पाली में तो समझ नहीं पाएगा। तो आपका अगर बच्चा मराठी है, या आपका बच्चा पंजाबी है, या गुजराती है, या तमिल है, या आपका भोजपुरी में गाता है या समझता है, या जो भी भाषा है, उड़िया है, तेलुगु है, मलयालम है, या उर्दू है, तो आप उसको उसकी सरल भाषा में बताएं कि ये 5 काम हमें क्यों नहीं करने चाहिए, इन 5 कामों से करने से क्या नुकसान होगा। अभी से ही समझा देंगे 5 से लेकर 10 साल में, तो वो पूजा सबसे अच्छी है, क्योंकि पूजा का मतलब बाद में सम्मान करना भी है। सम्मान का मतलब है सम्मान, यानी स्वयं मान, यानी मानना, उस बात को मानना जो बुद्ध ने बताई है। तो पूजा का मतलब यहां सम्मान भी होता है। तो जो आप ऑनर देना चाहते हैं अपने टीचर को, यानी भगवान बुद्ध को, या रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, उसको पूजा बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो 5 से लेकर 10 साल के बच्चे के लिए आपने
खाली गायन नहीं करना है, खाली सिंग ए सॉन्ग नहीं करना है या सिंग ए त्रिशण पंसिल नहीं करना है, आपने उसको उसका मतलब बताना है। मेरी वीडियो 4 पहले आ चुकी हैं, 5वीं अभी लोड होने वाली है जो सुरामेर मज्जे वाली है, 5 सील उसमें दिए हैं और आगे भी सील आते रहेंगे। आप उसमें देख लें कि सील कैसे हमें बहकाते हैं और सील कैसे हमें गलत कामों में आगे ले जाते हैं। तो ये काम जब आप कर रहे हैं तो 5 से लेकर 10 साल के बच्चे की पूजा हो गई, मगर 10 साल से लेकर और 20 साल का जो बच्चा है उसका माइंड बहुत तेजी से सोचता है, बहुत तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से वो रिवेल करता है, यानी कि विरोध भी करता है। उसकी तर्क की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाती है और वो बहुत तेजी से चीजों को समझ के उनके जवाब मांगता है। अगर आप सही जवाब उसको नहीं दे पाए तो कोई और ने अगर किसी और ने अगर कोई उल्टे जवाब दे दिए तो वो उनको भर लेगा, उनको लोड कर लेगा माइंड में। इसलिए उसको आप दिन में एक बार कम से कम त्रिशण पंचशील का अर्थ बताते रहें, उसको पाली में भी बताते रहें, क्योंकि पाली में ये बहुत छोटा है मगर आप अपनी भाषा में बताएंगे तो ये बहुत वाइड और बड़ा हो जाता है। इसको अपनी भाषा में बताएं कि सील क्यों जरूरी है, उसके विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, स्कूल के विकास के लिए और स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए। अगर 20 साल तक आप उसे बताने में कामयाब हो गए तो ये उसकी रोज की पूजा है, यानी आपको रोज सुबह उठते ही सबसे पहले ये स्मरण कराना है कि ये 5 सील हैं और ये 5 सील ये फायदा देते हैं, ये कंटिन्यूस आपने पूजा करनी है। और 20 साल से लेके और जब तक आप मरे तब तक आपको सीलों का पालन करने की पूजा 365 दिन और 24 घंटे करनी है, क्योंकि आप उस समय दिन दुनिया में बहुत जाते हैं, दुनिया के अंदर बड़ी मारामारी है, मार चारों तरफ है, चारों तरफ व्यभिचार है, चारों तरफ लूट खसोट है, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ सकती हैं जो आपको नहीं करनी है। इसलिए आपको 365 दिन और 24 घंटे याद रखना है, तब वो समृद्धि आपके परिवार में आएगी। तो आपकी पूजा 365 दिन और 24 घंटे की है जो आपको लगातार करनी है। इस हिसाब से करेंगे पंचशील को अपनाते हुए, जानते हुए और समझाते हुए, तब बुद्ध का पूजा होता है। मगर अगर आपने मोमबत्ती जलाई है, आपने फूल जलाए हैं, आपने फूल रखे हैं, आपने कोई धूपबत्ती जलाई है, कोई मूर्ति रखी है, कोई पोस्टर रखा है, कोई कैलेंडर रखा है, अपने महापुरुषों का रखा है, अपने बाबा साहब का रखा है, अपने माता पिता का रखा है, या जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके लिए लाभदायक है, आपने उसका रखा है, आपने वहाँ कोई फल फ्रूट भी रखे हैं, या कोई हाथ जोड़ के सफ़ेद कपड़ा पहन के या पीला कपड़ा पहन के या नीला कपड़ा पहन के, या जैसा भी आप कोई ड्रेस आपने रखी है, या आप 3 बार झुकते हैं, या आप वंदना करते हैं, या आप लय में गायन करते हैं, गाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है कि आप सिर्फ यही काम करें और पंचशील का पालन ना करें, ना ही पंचशील की याद करें, ना ही पंचशील को साधारण शब्दों में बताएं, तब बुराई है। क्योंकि पूजा आपने की नहीं, आपने पूजा का आडंबर कर दिया, आपने पूजा का अंधविश्वास कर दिया, आपने पूजा की मान्यता बदल दी, आपने सम्मान नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, ऑनर नहीं किया। क्योंकि बुद्ध का में जो पू है, बुद्ध के वचन में जो पू है, पू का मतलब है पावचन, बुद्ध के वचन, पावन वचन, यही पावन वचन है पूरी दुनिया के अंदर, पवित्र वचन इन्हीं को बोलते हैं, और ये बहुत सिंपल और साधारण है। तो आपने जब बुद्ध पूर्णिमा की आप पूजा करें, और क्योंकि पूर्णिमा आ रही है 7 तारीख को, तो आप जब इसकी पूजा करेंगे और पूरा परिवार आप बैठेगा, तो आप पाली के साथ साथ अपनी मातृभाषा में जो सबको समझ में आती है पंचशील के अर्थ बताइए, और खाली अर्थ बताने तक सीमित ना रहें, देखें कि कौन कौन उसको अभ्यास में लेके आ रहा है, कौन कौन लेके नहीं आ रहा है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो आपकी सालों की आदत है, जो आपकी 20-30 साल की आदत है, उसको एक साथ बदलना, ट्विस्ट करना बड़ा मुश्किल है, मगर शुरुआत कीजिए आप और पूजा कीजिए, और पूजा वही कीजिए जो बुद्ध के समय में होती थी, जिससे बुद्ध प्रसन्न होते थे, जिससे भिक्षु प्रसन्न होते थे, जिससे वातावरण प्रसन्न होता था, जिससे देश प्रसन्न होता था, जिससे समृद्धि और शांति आपके घर में आती थी। खूब दबा के पूजा कीजिए पंचशीलों की, पंचशीलों के अभ्यास की। आपको ये जो त्रिविध बोलते हैं, त्रिविध जो पूरन चंद है, पूरन चंद मासी, पूरन चंद का मतलब है पूर कंप्लीट मून, और मास का मतलब है महीना, इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। पूर्णिमा जो शब्द है वो संस्कृत है, पूनम जो शब्द है वो पाली का है, और पूरन चंद तो पूरा ही पाली का है। पूरन चंद का मतलब है पूरा चांद, और मास माने महीना। तो ये जो पूरन चंद मास पे, या इसको वैसाख पूर्णिमा बोलते हैं, या इसको भगवान बुद्ध के जन्म की पूर्णमासी भी बोलते हैं, या भगवान बुद्ध के बोधि ज्ञान की प्राप्ति की पूर्णमासी की रात भी बोलते हैं, और भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति की रात भी बोलते हैं। तीनों काम वैसाख पूर्णिमा को हुए, इसलिए वैसाख पूर्णिमा बोलते हैं।
आपको ये जो जानकारी भगवान बुद्ध ने दी और जो आप अभ्यास में लेके आने वाले हैं या लेके आते हैं, जो आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जिसका आपको लाभ होने वाला है या हो रहा है, इसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। Shut up.